नमस्कार। तो रोबोटिक सर्जरी क्या होती है? रोबोट एक सर्जन के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं रोबोट को ऑर्डर दे सकता हूँ, फीड कर सकता हूँ और रोबोट सर्जरी कर दे। रोबोट का सारा कंट्रोल सर्जन के हाथ में रहता है। पेशेंट जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे लेटे हुए हैं, वहाँ रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स की होल के ज़रिए अंदर जाते हैं, जिसका कंट्रोल एक पास में ही बैठे कंसोल या कंप्यूटर जैसे इंस्ट्रूमेंट पर सर्जन करता है। जैसे बिल्कुल वीडियो गेम खेल रहे हैं तो रिमोट हमारे हाथ में है और जैसा हम कर रहे हैं वैसा वीडियो गेम में हो रहा है। तो ये रोबोटिक सर्जरी है। अब इसके एडवांटेज क्या है? की होल है वो लैप्रोस्कोपी में भी है, लेकिन डिफ़िकल्ट टू रीच जो ऑर्गन्स है, स्पेशली जैसे प्रोस्टेट है, ये हड्डी के केज के बीच में लोकेटेड है। पेल्विस जो हिप की हड्डी है उसके अंदर प्रोस्टेट है। तो प्रोस्टेट कैंसर में जहाँ पूरा प्रोस्टेट रिमूव करना है, हाथों का वहाँ पहुँचकर बड़ी एक्यूरेसी से काम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में रोबोटिक आर्म्स आसानी से वहाँ पहुँच जाते हैं और प्रिसीशन से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक टर्म यूज़ करते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है जो हमारे हाथों की मूवमेंट है, रोटेशन वाली, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन वाली। तो रोबोट में ये 7 डिग्रीज, यानी हमारे हाथ में जितनी मूवमेंट है लगभग उतनी या उससे ज़्यादा मूवमेंट रोबोट हमें दे देता है। स्पेसिफिक सर्जरीज में इसका बहुत रोल है। जैसे प्रोस्टेट की मैंने बात करी, किडनी में जहाँ ट्यूमर है, कैंसर है और किडनी का थोड़ा हिस्सा निकालना है, पूरी किडनी नहीं निकाल ली, उसमें हाई प्रेसिशन की ज़रूरत है, उसमें रोबोटिक सर्जरी बहुत फ़ायदेमंद रहती है। पाइलोप्लास्टी है जहाँ किडनी की नली बारीक हो जाती है जिसको रिपेयर करना होता है, तो उसमें रोबोटिक सर्जरी बहुत एडवांटेज देती है। मैं बताना चाहूँगा कुछ सर्जरीज में रोबोट का रोल नहीं है। पेशेंट आकर बोलते हैं सर सर्कमसिजन रोबोट से कर दीजिए, हाइड्रोसील का ऑपरेशन रोबोट से कर दीजिए, या किडनी स्टोन जहाँ पर एंडोस्कोपी बहुत एडवांस्ड है, यहाँ रोबोट का ज़्यादा कोई रोल नहीं है। मैं बात करूँ कोई डिसएडवांटेज है रोबोटिक सर्जरी का, तो स्पेसिफिकली नहीं, जस्ट कॉस्ट फैक्टर है थोड़ा। मशीन बड़ी कॉस्टली है, इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं जिनको हम आर्म्स बोलते हैं, ये इनकी लाइफ लिमिटेड है। एक आर्म 10 केस तक चलता है, उसके बाद ये लॉक हो जाता है। तो रोबोटिक सर्जरी इज़ द वे फॉरवर्ड, इट इज़ एडवांटेजेस इन अ लॉट ऑफ सर्जरीज। आप जागरूक रहें और अपने सर्जन से ज़रूर डिस्कस करें इसके बारे में। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।